नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त कपिल और मैं आज फिर से आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूं। आप सबका स्वागत है मेरे वीडियो में और स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको जानकारी मिस ना हो। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला वीडियो आपके लिए। तो चलो चलते हैं। जो भी इसराइल आना चाहते हैं, जिसकी वीज़ा लग गई है कंस्ट्रक्शन में, एग्रीकल्चर में, और जिसकी वीज़ा लगने वाली है, जो भी इंटरव्यू में पास हुए हाल ही में, अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली में जो भी इंटरव्यू हुआ था, तो जो भी मेरे दर्शक हैं, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, वो पास हुए, तो उन सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहूँगा। और आपको अगर शायद आवाज़ आपको सही से ना आ रही हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और मेरी सांस भी फूल रही है क्योंकि मैं रेत पे चल रहा हूँ, क्योंकि बॉडी भी फिट रखना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि इंडिया में आके इतना ऑयली और स्पाइसी खाना खा करके वेट थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो इसीलिए आपको आवाज़ में थोड़ी ट्रबल होगी, लेकिन वीडियो एंड तक देखिएगा। थैंक यू। तो दोस्तों, आप सबको मैं बताना चाहूँगा, आप इसराइल आ रहे हैं तो अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेके आए, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहली चीज़ है प्रेशर कुकर। हाँ जी हाँ दोस्तों, प्रेशर कुकर लेके आइए, ताकि प्रेशर कुकर से आपको खाना बनाने में इजी हो, आपका टाइम बचे, जल्दी से आपका खाना पक जाए और आप जल्दी से अपना टाइम बचा सको, काम पर जा सको। तो अगर आप सिंगल यूज़ के लिए ले रहे हैं तो कम से कम 2 या 3 लीटर का प्रेशर कुकर लेके आइए, ताकि वो सिंगल यूज़ के लिए चलेगा। अगर आप डबल में ले रहे, कोई दोस्त आपके साथ है, तो 5 लीटर का लेके आइएगा। फिर दूसरी चीज़ है दवाई, मेडिसिन। तो मेडिसिन, जो भी बेसिक मेडिसिन रहती है, जो भी सिर दर्द की, बुखार की, कोई पेन किलर है, कोई आपकी मेडिकेशन चालू है अभी, कोई दवाई चालू है, तो वो भी लेके आइए। हॉस्पिटल में जाने के लिए आपको बहुत ही दिक्कत होगी, क्योंकि आपको वहाँ पे पहले तो अपॉइंटमेंट लेनी होगी, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, फिर आपको जो भी क्लिनिक रहेगा वहाँ पे जाना होगा, जाने के बाद वो आपको दवाई लिख के देंगे तो आपको दवाई मिलेगी, तो इतने में टाइम बहुत आपका निकल जाएगा। तो बेहतर है दवाई अपने साथ लेके आइए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप दवाई अपने साथ होने के कारण आप जल्दी से वो दवाई ले सके और इजीली सर्वाइव कर सके। तीसरी चीज़ है कपड़े। जो भी आपके रेगुलर यूज़ में कपड़े रहते हैं वही लेके आइए, ताकि आप आते ही आपको कोई खर्चा करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि इसराइल वर्ल्ड में 2nd नंबर पे आता है महंगाई में, तो आप एफोर्ड नहीं कर पाओगे कुछ भी। तो 6 महीना चले उतना कपड़ा लेके आइए अपने लिए, जो भी आप पहनते हैं, आपको जो भी कंफर्टेबल लगते हैं तो वो लेके आइए। फिर हो गया, हाँ, अपने जो भी मसाले रहते हैं, जैसे कि धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, वो ज़रूर लेके आइएगा आपको, ताकि आते ही आपको खाना बनाने में ईजी रहे, आपको कहीं पर ढूंढना ना पड़े, जो भी, क्योंकि हम इंडियन को स्पाइसी बहुत पसंद है, तो वो ज़रूर लेके आएगा अपने हिसाब से, जितना आप वेट उठा सको उस हिसाब से लेके आएगा। उसके बाद तो इसराइल में मिलता है पूरा सब मिलता है। फिर चीज़ है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपना सिम कार्ड। अपने सिम कार्ड, आपका सिम कार्ड कोई भी हो, उसमें 1 साल का रिचार्ज करवा के आइए, जो भी आपके बैंक के साथ लिंक हो, ताकि आपको जो भी बैंक की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे, मैसेज मिलता रहे, तो वो भी आपके लिए आसानी होगी। तो दोस्तों, यही था वीडियो। मैं जो बीच है हमारा पोरबंदर सिटी में, वहाँ वॉक पे आता हूँ डेली, तो मुझे थोड़ा याद आ गया, तो मैंने सोचा चलो अपने दोस्तों के लिए थोड़ा वीडियो बना देता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।